बहुत विषय अपेक्षाएं की गई है, बहुत इसमें आलोचनाएं भी की गई हैं, और बहुत जो पिछले 10 साल में इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक दृष्टिकोण, जो विजन है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो इस चर्चा को मैं सार्थक इस नाते से मानता हूं, भले ही आलोचनाएं हुई हो या भले ही अपेक्षाएं की गई हो, क्योंकि मानता हूं कि अपेक्षाएं तभी की जाती हैं जब कोई काम करने की गति को प्रदान करता है, उसी से अपेक्षा की जाती है काम और किया जाए, और जब तक काम न किया जाए तब तक अपेक्षाएं भी उसके बाद मर जाती हैं कि जो काम नहीं करते उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो 2014 तक से पहले पहले स्थिति पर शहरी विकास के नाते से कभी इतनी बड़ी मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया जितना नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 ऑनवर्ड्स इन 10 सालों में विचार किया गया, और ये तीसरी टर्म का जो 11वां साल है इसमें भी एक बड़ा बजट 82,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस विभाग के लिए आवंटित किया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करते हुए और जो उनको चिंता है, विधान में के पहले ही दिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो पहली बैठक हुई कैबिनेट की, उस पहले एजेंडे में ही यानी एक प्रकार से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों को स्वीकृति दी गई, 2 करोड़ उसमें ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के आवास बनाने की बात की गई। आज मान्यवर चुनौती जरूर है क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। 2011 के सेंसस के अनुसार शहरों में जो आबादी, कुल आबादी का लगभग 31.2% ये शहरों में निवास करता था, और अभी जो आगे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक ये आबादी 40% शहरों में हो जाएगी, और उसका भी निरंतर इसके ऊपर दबाव जो रहेगा उसमें हमें अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी होगा और उसको मेंटेन भी रखना होगा, उसका रखरखाव भी करना होगा, क्योंकि कई बार निर्माण के काम में पूरा ध्यान होता है, उसमें कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, लेकिन उसका निर्माण एक पक्ष है, बाद में रखरखाव उसका जो सरकारों के जिम्मे यानी प्रदेश सरकारों के जिम्मे और यूएलबीज के जिम्मे होता है, उसमें भी निरंतर उसका ध्यान रखना होता है। यदि वो ध्यान नहीं रखा जाता तो उसके अंदर कई प्रकार की बाद में ये कठिनाइयां भी आती हैं। संविधान में इसके लिए जब ये संशोधन करके और इसका प्रावधान किया गया कि यूएलबी के अंतर्गत शहरी विकास यानी उसमें 1992 के अंदर जो 14वां संशोधन हुआ संविधान के अंदर, तो उसमें कहा गया कि शहरी विकास ये राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों को उसके अंतर्गत कई 12वीं अनुसूची के अंतर्गत काम सौंपे गए हैं। तो जब निर्माण कार्य में हो जाता है पूरा उसका निर्माण, तो उसके बाद रख रखाव के नाते जरूर प्रदेश सरकारों को और यूएलबीज को ध्यान देना चाहिए। कल वक्ताओं ने जो सुझाव दिए उसके अंदर ये विषय आया कि राज्य सरकार के जितने भी यूएलबी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग की जाए, तो मैं सबसे पहला आश्वासन यही देता हूं कि निश्चित रूप से विभाग की ओर से उन सब मंत्रियों को बुला करके बातचीत करके और इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा।